जापान की सरकार ने साउथ एशिया पर मंडरा रहे बड़े आतंकी खतरे की ओर इशारा किया है। जापान ने फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार में आतंकी हमले की आशंका जताई है। जापान की सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन देशों में आत्मघाती हमले होने की आशंका है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए जापान ने अपने नागरिकों से इन देशों की यात्रा नहीं करने की अपील की है। जापान के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से सोमवार को कहा कि वो 6 दक्षिण एशियाई देशों में धार्मिक और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे स्थानों पर हमला हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे सूचना मिली है कि ऐसे स्थानों पर आत्मघाती हमला किया जा सकता है। जापान ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जाने वाले जापानियों के लिए ये परामर्श जारी किया है। हालांकि इन देशों ने इस परामर्श पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि उन्हें ऐसे किसी खतरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तानी संग्रत ने कहा कि जापान ने इस चेतावनी के पीछे की जानकारी का स्रोत नहीं बताया है। जापानी दूतावास ने सिर्फ इतना कहा कि ये केवल थाईलैंड के लिए नहीं है। थाईलैंड की पुलिस ने भी ऐसे किसी खतरे की सूचना से इनकार किया है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही। आपको बता दें कि इनमें से किसी भी देश के साथ जापान की कोई दुश्मनी नहीं है और इन सभी देशों के साथ जापान के स्थायी संबंध हैं। पिछले कुछ दशकों में जापान ने इन इलाकों में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए आर्थिक संबंधों और सुरक्षा उपायों से अपना प्रभाव बरकरार रखा है। इसी वजह से जापान की चेतावनी साउथ एशिया के कई देशों में हैरत का विषय है।